नमस्कार, एशिया न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। आइए देखते हैं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। पौने तीन महीने में पहली ऐसी घटना, मणिपुर में म्यांमार के घुसपैठियों ने सेना पर फायरिंग की, महिला जवान शहीद। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को सेक्सटॉर्शन कॉल करने वाले दो गिरफ्तार। 15 दिन के अंदर दूसरी बार भोपाल पहुंचे शाह, रात 12:30 बजे तक चली बैठक। वनडे वर्ल्ड कप, भारत पाकिस्तान का मुकाबला हो सकता है रीशेड्यूल। ज्ञानव्यापी परिसर के सर्वे पर हाईकोर्ट की रोक बरकरार। देश का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सम्मेलन केंद्र शुरू। मोदी जी ने कहा, मेरे तीसरे कार्यकाल में तीसरी बड़ी इकोनॉमी होंगे हम। लापरवाही के कारण इंडिगो के 2 पायलट सस्पेंड किए गए। फुटबॉल में पुरुष महिला टीम एशियन गेम्स खेलेगी। पीसी ज्वेलर के खिलाफ दिवालिया याचिका। पाकिस्तान से हमारे आर्मी स्कूलों के छात्रों को सोशल ग्रुप में जुड़ने के आ रहे हैं कॉल और मैसेज। पाकिस्तान के ऊर्जा संसाधनों पर चीन की नज़र, गैस कंपनियां खरीदने जा रहा है। नीदरलैंड में 3,000 कारों से भरे कार्गो जहाज में आग लगी, एक युवक की मौत। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए ट्रस्ट ने पीएम मोदी को भेजा न्योता। राष्ट्रपति बाइडेन का कुत्ता अफसरों को काट रहा। एप्पल ने बनाए थे जूते, 42 लाख से शुरू होगी नीलामी। वंदे भारत ट्रेन में दिए गए खाने में मिले कॉकरोच। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।